दोस्तों आज बताऊंगा न्यू BSS मॉडल महिंद्रा थॉर LS जो डीजल में है और इसकी प्राइस AC सीरीज सब RTO सब मिलाकर लगभग 12.5 लाख रुपए है। और ये BSS मॉडल महिंद्रा थॉर LL और ये टॉप से दूसरा जनरेशन में जाता है, मतलब कि टॉप से इसके थल का नीचे वाला है। और दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन दबाएं, बेल बटन से जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को हमेशा मिलती रहेगी। दोस्तों ये महिंद्रा थॉर में का जो BSS मॉडल है काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और इसका टायर साइज की बात करें तो R18 255/65 टायर इस्तेमाल मिल जाता है और डीजल में 2.2 लीटर डीजल इंजन मिल जाता है। और वहीं पेट्रोल की बात करें तो 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन मिल जाता है, TGDI मिल जाता है और ये 6 गियर की है। और इससे सामने के ऊपर बात करें तो महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, थार की बेगी मिल जाती है, हेडलैम्प मिल जाता है, फॉग लैम्प मिल जाता है, 2 वाइपर मिल जाते हैं और गिल काफ़ी अच्छी दी गई है और काफ़ी शानदार है मिल जाती है। इसमें 6 कलर में मिल जाती हैं। और अंदर की बात करें तो स्टेयरिंग पास महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, सीट में थॉर की बेजी मिल जाती है जो काफ़ी अच्छा दिया मिल जाता है और काफ़ी कंफर्टेबल सीट मिल जाती है। स्टेयरिंग में लेदर मिल जाती है और ब्लूटूथ सिस्टम और रेडियो सिस्टम मिल जाता है और टच स्क्रीन में डैशबोर्ड मिल जाता है, स्क्रीन मिल जाती है और AC सिस्टम के लिए मिल जाता है, म्यूजिक सिस्टम के लिए मिल जाता है और USB चार्जर मिल जाता है, 12 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है। आप ये 12 वोल्ट चार्जर में USB इनपुट करा सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा दिया गया है। और सीट काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल है बैठने के लिए, आप ड्राइवर सीट एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा इधर उधर और जो काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और पीछे साइड बात करें तो महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, महिंद्रा की बेजी मिल जाती है, थॉर की बेजी मिल जाती है, 4x4 की बेजी मिल जाती है और ब्रेक दबाते ही लाइट जल जाएगी जो काफ़ी अच्छा दिया गया है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 3920 mm है और चौड़ाई इसमें 1726 mm है और ऊंचाई 1930 mm है। व्हील बेस इसमें 2430 mm है, ग्राउंड कंडीशन इसमें 200 mm है, बूथ स्पेस इसमें 60 लीटर है और वे 1445 mm है और रियल टैक 1346 mm है। और फ्रंट सामने डिस्क ब्रेक मिल जाता है, पीछे ड्रम ब्रेक मिल जाता है और फ्रंट बेल्ट टाइप डिस्क की बात करें तो 226 mm का मिल जाता है और रियल ब्रेक टाइप ड्रम का मिल जाता है जो 282 mm का रहता है। और ये 2184 cc के हैं जो काफ़ी शानदार है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ है जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Stranger.